हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, कल रात को मैंने आपको कहा था कि रेस 3 का पोस्टर हम कल सुबह उठ के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेस 3 का जो पोस्टर है जो कल रात को आया था, उसमें वो पांच चीजें क्या है जो आपने मिस कर दी। वेल फ्रेंड्स, इसके मेकर्स ने इसके नीचे जितने भी आर्टिस्ट है उनका डिस्क्रिप्शन देके बहुत अच्छी बात कर ली, क्योंकि बेमतलब इतने सारे अफवाहें फैल रही थी कि ये म्यूजिक दे रहा है, वो गाना गा रहा है, वो लिरिक्स लिख रहा है, इसने एक्शन दिया, उसने ये किया, उसने फलाना ढिमका किया। इसलिए इसके जो मेकर्स थे उन्होंने जो पोस्टर के नीचे जितने जितने लोग हैं उनको क्रेडिट देकर बहुत ही अच्छा काम किया। और फ्रेंड्स, उसके लिए मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो गाइज, अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई है, तो इस एपिसोड में मैं आपको पांच ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको नहीं पता रेस 3 के पोस्टर देखने के बाद, और जो कि अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी इसके कास्ट एंड क्रू को लेकर। तो गाइज, सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग एपिसोड देख रहे हो तो प्लीज़ इसे फुल HD में देखना, यानी कि 720p में, तब आपको जाके क्लियरली दिखेगा, क्योंकि गाइज ये पोस्टर पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो गाइज, नंबर वन इज द म्यूजिक डायरेक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जैम 8 है, मीट ब्रदर्स है, विशाल मिश्रा, विकी हार्दिक, शिवाय व्यास, ओके। इसमें अगर किसी का नाम मिसिंग है तो वो है म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम का। यस फ्रेंड्स, प्रीतम का नाम ही नहीं है इसमें, आपको पता होगा, अल्लाह दुहाई। जो गाना इस फिल्म में भी होने वाला है, मैंने आपको पहले ही कन्फर्म कर दिया, इसकी शूटिंग भी हो चुकी है, उस गाने को कंपोज किया था प्रीतम ने। तो क्या अभी उसका रिमिक्स वर्जन जैम 8 ने किया है, सो क्रेडिट क्यों नहीं दिया ये पता नहीं, लेकिन गाइस प्रीतम इस फिल्म में म्यूजिक नहीं दे रहा है, इतना गारंटी हो गया। मैंने भी आपको बताया था प्रीतम म्यूजिक दे रहा है, लेकिन गाइस के मेकर्स ने अभी खुद कंफर्म किया कि प्रीतम इज नॉट गिविंग म्यूजिक फॉर रेस 3। तो एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा कंफ्यूजन, बहुत लोग बोल रहे थे ये अफवाह है, सलमान खान ने लिरिक्स नहीं लिखा है गानों के, सब लोग इसको मजाक ले रहे थे, लेकिन गाइस यहां पर क्लियरली मेंशनड है लिरिक्स बाय कुमार, हार्दिक आचार्य, शब्बीर अहमद, शिलोक शैंकी, शिवानी व्यास एंड सलमान खान। गाइस एपिसोड HD में देखना, तब दिखाई देगा। गाइस, सलमान खान हैज गिवन द लिरिक्स। तो दूसरी चीज है, सलमान खान ने इस फिल्म का लिरिक्स दिया है। तीसरा, अगर आप ध्यान से देखो, हमको ये लग रहा था कि जितने भी कॉस्ट्यूम्स है, या तो फिर अलवीरा अग्निहोत्री सलमान खान की क्या बोलते हैं सलमान खान की सिस्टर ने ये किया है कॉस्ट्यूम्स, या फिर एश्ली रिबेलो ने किया है कॉस्ट्यूम, हम लोगों को दो लोगों के नाम पता थे, लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सरप्राइज है रिया कपूर। यस फ्रेंड्स, सोनम कपूर की बहन रिया कपूर भी इस फिल्म की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, ऑब्वियसली शायद वो जैकलिन के कॉस्ट्यूम्स कर रही है, नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अलवीरा जो कि सलमान खान की सिस्टर है, उसके बाद एश्ली रिबेलो, ये दोनों ने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, इतना तो गारंटी। एश्ली रिबेलो ने ये शूज डिजाइन किया है, जैसे मैंने आप लोगों को कल ही दिखाया है। ओके गाइस, नंबर 3। नंबर 4, डार्क नाइट का एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रटर। इसके IMDB पेज पे जाओ, इसके विकिपीडिया पे जाओ, सब जगह इसका नाम टॉम स्ट्रटर्स है, यहाँ तक के डार्क नाइट के पेज पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका नाम टॉम स्ट्रटर्स है। तो यहाँ पर जो एक्शन कॉलम है, यहाँ पे लिखा है अनिल अरासू एंड थॉमस स्ट्रटर्स। अभी मैंने बहुत ढूंढा है, कम से कम एक घंटा मेरा गया ढूंढने में, थॉमस स्ट्रटर्स इसका भाई भी नहीं है, और टॉम स्ट्रटर्स का नाम ही थॉमस स्ट्रटर्स है, यानी ये भी कोई नहीं हो पाया है। बीइंग शाह आलम, ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, इसने मुझे ये बात पॉइंट आउट की है। गाइस, थॉमस स्ट्रटर्स के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है पता नहीं, शायद उसको इंडस्ट्री में थोड़ा इज्जत से बुलाया जाए, टॉम थोड़ा वो लगता है, इसलिए शायद उसने अपना नाम थॉमस स्ट्रटर्स लिख दिया है। तो ये एक बात भी सामने आई है। एंड फ्रेंड्स, द पोस्टर इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पोस्टर के वजह से शायद मिस्ट्री सॉल्व होगी। गाइस, तुम लोगों को लगता है इतना करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं और इतना इजीली लोग मिस्ट्री दे देंगे? गाइस, रेस 3 एक बहुत ही मिस्ट्रियस फिल्म होने वाली है, इतनी मिस्ट्री होगी इसमें कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग जितना दिमाग लगा रहे हैं ना, जब स्क्रीन पे पिक्चर आएगी तो हम लोग खुद का दिमाग फुल टॉस खा जाएगा कि हम लोग क्या सोच के गए थे और क्या देख कर आए। ऑल इन ऑल द फर्स्ट पोस्टर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दूसरी चीज, जो आखिरी चीज़ है, सॉरी पांचवी चीज़ जो मैंने मिस कर दी, जो आप लोगों को भी बहुत उत्सुक कर रही है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। यस फ्रेंड्स, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक किसने दिया है? जूलियस पैकम। आपको पता होगा सलमान खान की पिक्चर में अगर जूलियस पैकम नहीं हो तो उसका म्यूजिक ऐसा लगता है मजा नहीं आया। बैकग्राउंड टाइगर इन द एक था टाइगर, इवन इन ट्यूबलाइट आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन जूलियस पैकम का नाम यहाँ पे मिसिंग है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसलिए इसका BGM अब तक डिसाइड नहीं किया कौन देगा, तो वो बाद में इंक्लूजन होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है जूलियस पैकम होगा। सो गाइज, ये पांच चीजें
से थी, नंबर वन ऑब्वियसली प्रीतम नहीं है म्यूजिक में, नंबर टू सलमान खान इज द लिरिक्स ऑफ दिस मूवी, नंबर थ्री टॉम को थॉमस टूटस कर दिया, रिया कपूर इज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंड नंबर फाइव वेयर इज जूलियस पैकम। ऑल इन ऑल रेस थ्री का पोस्टर काफी सुपर हिट लग रहा है मुझे। अब इंतजार है इसका ट्रेलर या टीजर, अब वो जैसे आएगा पहली अपडेट से हमारे चैनल पे। एपिसोड्स पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ चीजें जो आपको लगता है मैंने भूल दिया हूं इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कमेंट सेक्शन आपके हवाले से मैं आवरण सारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, द रेस हैज जस्ट बिगन।